आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप बिहार के हैं तो आप ऑनलाइन SDO से आवासीय बना सकते हो। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन SDO से आय प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से वो वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में सीखते हैं किस तरह आप SDO से आवासीय बना सकते हैं, वो भी ऑनलाइन आवेदन करके। तो कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, जो बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट है, serviceonline.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करके एक अकाउंट बनाना होगा। जब अकाउंट आप बना लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करना होगा। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस आपसे मांगेगा, तो मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस इसमें इंटर कर दीजिए। उसके बाद ये कैप्चर जो है, इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर कर दीजिए। आपको कैप्चर अलग अलग रहेगा, सभी को कैप्चर अलग अलग मिलता है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे। हमें SDO के यहाँ से बनाना था, यहाँ सर्च बॉक्स है तो हमको इसमें SDO सर्च कर देना है। अब SDO के अनुसार बिहार में जितने भी सर्टिफिकेट बन रहे वो सारे सर्टिफिकेट का लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से कास्ट बनाना चाहते हैं कास्ट पे क्लिक करेंगे, इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते इनकम पे, इनकम का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। हम रेसिडेंट सर्टिफिकेट SDO के यहाँ से बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है, इससे पहले आपको निवास प्रमाण पत्र रेसिडेंट सर्टिफिकेट ब्लॉक से बनाना होगा। जब आप ब्लॉक से बनाएंगे तब भी आप SDO के यहाँ से बना सकते हैं। ब्लॉक से किस तरह बनाता है उसका भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ भी जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो ऑनलाइन में डाउनलोड भी आप कर लीजिएगा, तो आप या ब्लॉक से भी ले सकते हैं सर्टिफिकेट को। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। सर्टिफिकेट नंबर जो भी CEO के यहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला उस पे जो सर्टिफिकेट नंबर वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेम इंग्लिश में जो नाम आप CEO के यहाँ आवेदन करते वक्त नाम दिए थे वही नाम सेम नाम आपको इस बॉक्स में देना है। उसके बाद गेट डिटेल पे क्लिक कर देना। तो चलिए क्लिक करते हैं। गेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपके द्वारा जितना भी चीज़ भरा गया था, जो भी ब्लॉक से बनाते वक्त दे, तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिक पहले से भरा, यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने का आप कैप्चर यहाँ पे देख पा रहे, कैप्चर को इस बॉक्स को आपको नीचे कैप्चर, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करें, यहाँ पे मिलान करने के लिए बोला जाए, आप अपना इस मिलान कर लीजिए, आपके द्वारा दिया गया जानकारी सारा चीज़ सही है तो आप इस देख लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अंचल अधिकारी द्वारा जो भी आवासीय बना था उसको भी अपलोड करना हो। ये जो आप आवासीय इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको भी आप अपलोड कर दीजिएगा। तो चलिए मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता निवास, ठीक है। और इशू बाय इशू डेट को आप खाली छोड़ दीजिए, आप इशू बाय इशू डेट को खाली छोड़ देंगे फिर भी ये अपलोड ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इशू बाय इशू डेट रिफ्रेंस नंबर को भरना चाहिए तो भर भी सकते, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे ये नंबर जो ये है रिफ्रेंस नंबर में आपको देना होगा। उसके बाद दस्तावेज में यहाँ से जो भी दस्तावेज आप देना चाहते हैं डॉक्यूमेंट वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और वो आधार कार्ड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दिए दोनों चीज़, उसके बाद सेव कर देंगे। तो चलिए सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे ये मिलान करने के लिए बोला है, इसको मिलान कर लेंगे, चेक कर लेंगे हमारे द्वारा भरा गया जानकारी सही है। तो उसके बाद यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड दोनों मेरा अपलोड हो चुका है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो उसके बाद नीचे आ जाए फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। तो देखिए मैंने फाइनली सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे रसीद रिसिप्ट जो मिल चुका है, ये रिसिप्ट आपको अब मिल गया है। अब ये रिसिप्ट आपको मिल चुका है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक करके। ये देखिए ये रिसिप्ट है, इसको अप्लाई करने के बाद 10 वर्किंग डे में आपको ये मिल जाएगा। इसको आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। व्यू और स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन क्लिक करेंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस भी क्लिक करेंगे।
यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद गेट डाटा पे क्लिक कर देंगे, जो भी डेट का देखना चाहते हैं उसके बाद डेट सेलेक्ट करके गेट डाटा। उसके बाद आपके द्वारा जितने भी चीज़ बनाए गए सारा चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा। ये मैंने अभी बनाया रेसिडेंट सर्टिफिकेट HDO लेवल, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसका स्टेटस जान सकते हो, यहाँ पे भी दिखा रहा है स्टेटस, जो बन जाएगा वो डिलीवरी है, जो अंडर प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस ही दिखाएगा, जो मिल जाएगा जो बन जाएगा वो अंडर वो डिलीवरी होगा। स्टेटस जानने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टेटस जान सकते हैं, यहाँ से आप इसका स्लिप डाउनलोड भी कर सकते हो।